नमस्ते दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक इस तरह का हेयर पैक बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा है आपके अगर फ्रिजी हेयर होते हैं विंटर में, रूखे बाल, इन सब की परेशानियों को ये ना ही ख़त्म करता है, साथ ही साथ जो धूल वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ते हैं या फिर आप हेयर प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल करते हैं अगर आपके हेयर में बिल्डअप वगैरह ज़्यादा होते हैं तो स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन भी करता है, डैंड्रफ, बिल्डअप ये सारी चीज़ों को हटाता है, हेयर को बहुत ही ज़्यादा सिल्की, स्मूथ और फ्रिजी लेस करता है और आपके जो बाल ड्राइनेस और रूखे की परेशानी को भी पूरी तरह से ख़त्म करता है। बहुत ही अच्छा है हेयर के रीग्रो के लिए भी। और तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको किस तरह से और कैसे बनाना है। और ये जो हेयर पैक है इसको आप बनाने के बाद हेयर पर मिनिमम आपको 45 मिनट्स से लेकर एक घंटे तक अपने स्कैल्प से लेकर पूरे हेयर लेंथ पर इसको लगाना है और उसको 45 मिनट्स से लेकर एक घंटे तक रखने के बाद फिर उसके बाद अपने बालों को अच्छे से साफ कर लीजिए। आपके बाल ड्राई होने के बाद आप देखेंगे कि कितना अच्छा हो गया है। इसको आपको हफ्ते में मिनिमम एक बार इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको किस तरह से और कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने दो एलोवेरा के पत्तों को ले लिया है जिसके साइड्स को आप पहले काट लीजिए, फिर उसके बाद उसके एक साइड को क्लीन कर लीजिए ताकि अंदर से पल्प निकालने में आसानी रहे। पल्प को आपको चाकू की मदद से या फिर चम्मच की मदद से आप स्क्रैप करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं चाकू की मदद से निकाल रही हूँ, आप चाहे तो इसको चम्मच की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से आपको जितने भी पल्प की रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से निकालिए। अब यहाँ पर हमारा पल्प मैंने निकाल दिया है, अब इसको एक ब्लेंडर में डाल देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसका जूस निकल सके। अब यहाँ पर हमारे पास एलोवेरा का जूस तैयार है, इसको एक कटोरी में हम निकाल देंगे। ये करीब 5 से 6 स्पून जितना ही जूस होगा। इसमें 2 बड़े चम्मच जितने हम यहाँ पर मेथी के दाने डाल देंगे और इसको मिनिमम 2 घंटे तक इसी तरह से सोक होने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें जितना जूस है वो फेनुग्रिक सारा सोक कर ले और अच्छे से स्वेल कर जाए, सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर हमारा जितना जूस है मेथी के दानों ने अच्छे से सोक कर लिया है और फूल भी चुका है। अब इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल देंगे। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। एक बार घुमाने के बाद जब मेथी के दाने आधे आधे टूट जाए तब इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही 3 से 4 बड़े चम्मच हम ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करके घुमाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो सके और हमें एक स्मूथ सा पेस्ट मिल सके। इसको बहुत ही अच्छे से फाइन सा पेस्ट बनाना है। अगर आपको 3 से 4 चम्मच में आपका पेस्ट नहीं हो रहा है तो आप 1 या फिर 2 चम्मच और ज़्यादा दही इसमें डाल सकते हैं, मगर पेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने और 2 चम्मच दही ऐड कर लिया है। अब इसको ऐड करने के बाद हमें एक स्मूथ सा पेस्ट मिल चुका है। कुछ इस तरह से। अब जो मेथी के जो दाने होते हैं वो बालों में फंस जाते हैं और निकालने में भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आप कोई भी स्ट्रेनर की मदद ले सकते हैं या फिर चीज़ क्लोथ्स
या फिर इसी तरह से प्लेन नॉर्मल हैंकी भी ले सकते हैं, जिसमें आप सारा पेस्ट डाल दीजिए। फिर उसके बाद उसको बहुत अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिए ताकि उसके अंदर का जो पेस्ट है वो बाहर निकल सके, मगर जो खुदरा हिस्सा है, जो फेनुग्रीक का जो रेसिड्यू है, वो अंदर ही रह जाए। तो इसी तरह से मैं दबा कर सारे पेस्ट को बाहर निकाल दूंगी, जो कि स्मूथ वाला एक पेस्ट है। अब यहाँ पर सारा पेस्ट निकल चुका है और ये जो खुदरा वाला जो हिस्सा है इसको हम डिस्कार्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर जो पेस्ट हमारा तैयार है, इसमें हम अभी दो चम्मच जितना ऑलिव ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑलिव ऑयल ऐड करने के बाद इसको फिर से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा पेस्ट तैयार है। अब इसको आपको पूरे स्कैल्प से लेकर पूरे हेयर लेंथ पर इसको अप्लाई करना है। मिनिमम 45 मिनट से लेकर एक घंटे तक अपनी हेयर पर रखना है। फिर उसके बाद जैसे आप नॉर्मली अपने बालों को वॉश करते हैं उसको भी वॉश कर लीजिए और फिर आप देखिएगा आपके बाल कितने अच्छे स्मूथ हो जाते हैं। ये आपके स्कैल्प को भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है, स्कैल्प में इरिटेशन, इचिंग, बिल्डअप, ये सारी चीज़ों को निकालता है। साथ ही साथ आपके बालों को बहुत अच्छे से स्मूथ भी करता है और ये आपके हेयर रीग्रोथ में भी मदद करता है। इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं बालों के लिए। इसको हफ्ते में आप मिनिमम एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो फिर प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।